Yeah, let's first of all. अरे पेन नंबर 79 पे एक शॉर्ट डगर का था, तो कुछ आगे क्या फाइंड आउट करना था? बजटेड प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या करना पड़ रहा था? ब्रेक इवन क्यों निकालना पड़ रहा था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो अगर दी हुई है तो पहले बजटेड सेल निकलेगी, बजटेड सेल निकालने के लिए ब्रेक इवन की वर्किंग करनी पड़ेगी, डिवाइड बाय 75 करके इनटू 100 करके बजटेड सेल आएगी। तो ये नंबर 79 की लास्ट लाइन थोड़ा दोबारा पढ़ो। स्टॉक भी रखने का रहता है, कितने महीने का? एक महीने की सेल स्टॉक में रखनी है, इसका मतलब फिर ये हुआ कि 13 महीनों की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। अपना जरा बजटेड सेल्स का कोई आंसर बताया था? सेवन एट जीरो, चले वो दो ठीक है, राउंड ऑफ हो गया। जब आ रहा आंसर बता दो। 780 जी 65, ये कितने महीनों की सेल है? डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो क्या जाएगा, और 13 करें तो क्या रह जाएगा? असल में 1 करेंगे तो एक महीने का स्टॉक आ जाएगा, लेकिन 13 करके सीधा प्रोडक्शन भी आ सकती है। 13 महीनों की प्रोडक्शन करेंगे, 12 महीनों की सेल होगी और एक महीने की सेल जो स्टॉक में है, ठीक है। तो नीचे मेरी वर्किंग बंद रख करवा था, एक तो वर्किंग से बता दूंगा। फिक्स कॉस्ट होगी फाइनल, देखना एक बार कोई मसला। वर्किंग टू पे अभी डेटा दिया था मिलियंस में, सेल प्राइस पर यूनिट होगी। ये मटेरियल से पहले पहले बता दो, सेल प्राइस पर यूनिट, लेबर, मटेरियल के लिए उसने एक वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का एक ब्रेकअप बताया हुआ था, ये समझ आ गया? एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ो। $187.5 million लिखे, 60% ऑफ सेल क्या है? तो 187.5 million सेल है, इसका 60% करेंगे तो क्या आएगा? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा, उसका 60% करेंगे पर उसका 40% करेंगे मटेरियल, 35% करेंगे और 25% करेंगे। तो मटेरियल में भी डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी बता दें, बाकी इनमें तो नहीं आपको इशू, लेकिन अपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दी थी जी। कमीशन वेरिएबल ही है जी, 1% ऑफ सेल, 1% ऑफ इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ बाय पेइंग 1% ऑफ कमीशन। सेल पे ही होगा, कमीशन सेल्स पे ही होता है। कमीशन वेरिएबल है जी, से या फिक्स है? लेकिन एक एनुअल बोनस देना वो फिक्स है। मटेरियल की वर्किंग करवाएंगे तो ट्राय वाला देख के किया जाए वर्किंग। एग्जिस्टिंग सिनेरियो है जी, पॉइंट नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट है। एग्जिस्टिंग सिनेरियो में कितने परसेंट वेस्टेज है किसका? किसका 10% बताया नहीं हुआ, तो इनपुट 100 होगी, 100 10% वेस्टेज है तो 90 हो जाएगा। ये तो हो गया एग्जिस्टिंग सिचुएशन, रिवाइज सिचुएशन में क्या बन जाएगा? 105 और 95। कैलकुलेटर पकड़ो। 187.5 into 60
एन इंटू 40% पे इज इक्वल टू दबाएगा, क्या आंसर आया? ये 45 मिलियन का जरा नाम रखने की कोशिश करें, मटेरियल कंज्यूम्ड हो गए, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं, एक ये भी वैसे हो सकता है डिवाइड बाय 62.5 मिलियन करें, 62,500 ये पर यूनिट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, बताइए कौन सा? ये मिलियंस में आएगा, जरा रुपीज में कन्वर्ट करें, जरा ये 45 डिवाइड बाय 62,500 720, 720 उसी तरह ही हो जाएगा, बल्कि अब इसमें फर्दर भी जा सकते हैं, 720 भी क्या है वैसे, रॉ मटेरियल पर यूनिट आया, जरा ट्राई निकालिएगा क्वेश्चन नंबर 6, बट नहीं इसका डाटा ना देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का डाटा, पेज नंबर 63 है, 720 रुपीज है पर यूनिट। फर्दर ब्रेकअप इसका हो सकता था केजीज में, अगर प्राइस पर केजी मिल जाती, नहीं मतलब जरूरत नहीं है वैसे, मैं वैसे बता रहा हूँ, फर्दर 5 तक भी पहुंच सकता था, जैसे वहां 5 केजी था, लेकिन इनटू 40 है और प्राइस में जो चेंज है वो मेरा ख्याल है बताई हुई, वैसे रॉमटेल प्राइसेस में तो कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब ये 720 जो है इसके अंदर अब केजीज भी होंगे, सही। अब ये जो 720 है ये उसी तरह हो जाएगा जिस तरह वहाँ 5 है, या वहाँ 5 की जगह आप कह रहे हैं 200 है, 5 में देखें 200 रुपये का आ रहा है, आ रहा है सर, तो मतलब मेरी इस बात का ये है कि 720 यहाँ से आप पहले 90 निकालेंगे, फिर वो जो 90 है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, जरा देख लें वोट आई वाला आंसर निकाला, इसमें बार बार रिपीट होता जाना इस चीज ने, जरा सही तरह फाइनल करना, कैलकुलेटर उठाएं, ट्राई वाला सामने रखते, ट्राई 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 का आंसर जरा देखें, फाइव डिवाइड बाय 100 किया था आपने, मल्टीप्लाइड बाय 93 किया था, फिर जो आंसर आया था वो डिवाइडेड बाय 97 हुआ था और इनटू 100 हुआ था, रिपीट कर देंगे क्या क्या हुआ था, 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 93 से 97 डिवाइड हुआ और फिर 100 आया, ये तरतीब से करना था दो तीन काम, 5 डिवाइड बाय 100 इनटू 93 डिवाइड बाय 97 इनटू 100, क्या आंसर आया? उसी तरह ये यहाँ भी काम हुआ है सारा, 720 बोले जरा क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 इंटू आंसर बताएं 648 समथिंग, अब डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या आंसर आया, 682 क्या है, रिवाइज सिनेरियो में क्या है, रॉ मटेरियल आ गया, ऐसे ही। लेकिन जब भी कभी इस तरह की वर्किंग आप करें तो मेरी सजेशन हमेशा रहेगी ये थोड़ा सा लिख के करना, था तो 682 बन गया वैसे, ठीक है क्लियर, आप पूछ रहे थे तो ये बार बार रिपीट होगा, इसमें अगर पर्सन साइलेंट हो तो इस परसेंटेज में इनपुट 100 है, रिकॉर्डिंग के बाद में फिर वर्किंग है जी, ठीक है गुलाम मोहिद्दीन सर, डायरेक्टली कैसे हो सकते, फिर क्या करें, तो सर जी निकाल के दिखाएं ना, बताएं कैसे करें, सर वो तो एक ही बात नहीं यार, 0.9 कर दें या 90 कर दें, क्या हो इंटू 100 डिवाइड बाय 100 करके इंटू 90 करेंगे 0.9 हो जाएगा, यार कमाल हो, 0.9 करके डिवाइड 0.95 करेंगे वो जाएगा, जब 0.95 करें तो डिवाइड बाय 100 हो गया, तो लेकिन आप काइंडली इस तरह कीजिएगा, ये 0.95 का पता वैसे ही हुआ क्या, वो डिवाइड बाय 100 होगा, 0.9 भी तो डिवाइड बाय 100 होगा, ठीक है लेकिन काइंडली इसको सीरियस लीजिएगा, डिवाइड बाय 100 करने में क्या मसला, अगर वैसे हो रहा तो वैसे भी तो हो रहा, लेकिन वैसे ज़रा टफ है, जिस तरह एक दफा जिस तरीके से हो गया नए नए तरीके रहने थे, जब वैसे भी हो रहा तो वैसे भी तो हो रहा जी, और तो नहीं मसला, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने को कहा था, पेज नंबर 65 का, ये तो पढ़ लिया था वैसे, फाइनल करने को कहा था मैंने।
कौन सा? और तो नहीं कुछ सर, और तो नहीं कुछ होमवर्क? एक पेज नंबर ढूंढना था 117। ये रिक्वायरमेंट वही रहेगी यार, अनलेस वो बता दे कि रिक्वायरमेंट में चेंज आ गया। ये पेज नंबर 117 पे एक डिजिटल इंडस्ट्रीज के नाम से क्वेश्चन है। आपने करना ये है कि एक दफा दोबारा जरा ट्राई, और ये जो सॉल्ट लेदर है इसको दोबारा फिर देख के, ये जरा एक कंपेरेटिव, ये अब जरा सीरियस क्वेश्चन है, तो इसकी जरा एफर्ट करनी शुरू करनी है, फिर एक आध दिन में इसके लिए टाइम निकालना हमें। तो कौन सी चीजें रिवाइज करके दोबारा इधर आना, तो इसको जरा आप होमवर्क रखें। अभी फिलहाल आप इसका करें, पेज नंबर ढूंढें। अरे टाइम निकालें सर, निकाला टाइम, पेज नंबर 82 निकाला। ये जानवर सर पेज नंबर 82 का एक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सवाल है, जो ये रेलिवेंट कॉस्टिंग के एंगल से जो बहस हो रही थी इसी को जरा कंटिन्यू करें। मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट कैसे आती है? सबसे पहला सवाल क्या होता है? फिर क्या सवाल होता है? फिर क्या सवाल होता है? चलिए पढ़ना शुरू करें क्वेश्चन नंबर 4। रिक्वायरमेंट है सर, रिक्वायरमेंट से शुरू करो। कंपेयर द बिड प्राइस दैट द जीपीएल शुड कोट इफ इट वांट्स टू अर्न प्रॉफिट, ब्रैकेट अंडरलाइन करो, बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट ओनली ऑफ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, ऑफ सेलिंग प्राइस 100 बताएं क्या इसमें 100, 20, 80, कौन सी रेलिवेंट कॉस्ट? 120, 12, व्हाट इज 100? अब सेल प्राइस के अंदर प्रॉफिट होता है पहले यार, तो 20 अगर प्रॉफिट दे रहा है, वांट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%, तो रेलिवेंट कॉस्ट फिर 80 हो जाएगी। अगर आप रेलिवेंट कॉस्ट निकाल लेंगे तो डिवाइड बाय 80 इनटू 100 करके बिड प्राइस निकाल सकते हैं। बिड प्राइस का मीनिंग जरा देखें क्या क्या जेन कहता है जे? बिड प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस? अपने बेचनी ना चीजें, तो उसकी बिडिंग करनी है, बिडिंग की प्राइस बतानी है, तो रेलिवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और देन उसके बाद फिर 20% प्रॉफिट की बेस पे अपनी बिड प्राइस बनाना है। पढ़े फर्स्ट लाइन सर, ये धर्म की नहीं मिलेगी। ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बिड डॉक्यूमेंट्स फॉर अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ 5,000 यूनिट्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट बाय द नेम ऑफ जीटा। इन दिस रिस्पेक्ट जीपीएल जीपीएल्स टेक्निकल डिपार्टमेंट हैज वर्कड आउट द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस एंड इंफॉर्मेशन। द ऑर्डर वुड बी कंप्लीटेड इन 15 डेज, कितने दिनों में कंप्लीट होना है?
जी सर का दबाव ठीक है जी प्लीज। जी सर जी पॉइंट नंबर टू पढ़ रहे हैं। द जीपीएल हैज सफिशियंट स्टॉक ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल टू प्रोड्यूस जीटा। सफिशियंट स्टॉक तो है लेकिन सम ऑफ द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो। मटेरियल ए बी एंड सी। क्वांटिटी रिक्वायर्ड ओरिजिनल परचेज प्राइस करंट परचेज प्राइस करंट डिस्पोजल प्राइस। ओरिजिनल परचेज प्राइस का मतलब खरीदा कितने पे था, करंट परचेज प्राइस अब अगर खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा, और करंट डिस्पोजल प्राइस पुराना मटेरियल बेचेंगे तो कितने का बिकेगा। मटेरियल ए इज यूज बाय जीपीएल इन मेनी प्रोडक्ट्स एंड देयरफॉर सफिशिएंट स्टॉक इज मेंटेन। ये ठीक है। मटेरियल बी हैज नो यूज अदर देन द प्रोडक्शन ऑफ जीटा। द स्टॉक ऑफ मटेरियल जी मटेरियल सी वॉज परचेज सेवरल ईयर्स अगो फॉर अनदर प्रोजेक्ट। इट कैन ओनली बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ जीटा अदरवाइज इट विल हैव टू बी डिस्पोज ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 10 पर kg टू मीट द एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। चलें यहाँ तक पढ़ लें, अपना अपना जरा आंसर बना लें मटीरियल ए बी और सी का, जरा लिख के रजिस्टर पर अच्छे से करें प्लीज। मटीरियल ए बी और सी की रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनती है, जरा अपना अपना आंसर निकाल लें। जी अब आवाज कैसे तो नहीं प्लीज। जी मेरा ख्याल आवाज इस वक्त ठीक है जाना मौसम। अब देखिएगा जरा स्पेसिफिकली आपका अपना इशू लग रहा है मुझे इस वक्त, आवाज ओवरऑल ठीक लग रही है मुझे। जी ऑन स्टूडेंट्स कैंडी बताइए आवाज का तो नहीं इशू। अपनी अपनी वर्किंग करें फिर मैं लिखता हूँ। जी सर मटेरियल है। क्या स्टॉक पड़ा है, क्या रेगुलर यूज में है, 5,000 इंटू 200 पे बात खत्म हो सकती है। आंसर 1 मिलियन हो गया। मटेरियल बी गेम चलाएं गेम चलाएं। स्टॉक पड़ा है, कहाँ लिखा हुआ स्टॉक पड़ा, फर्स्ट लाइन में लिखा सफिशियंट स्टॉक पड़ा, स्टॉक पड़ा है, कितना चाहिए है, 3,000 रेगुलर यूज में, रेगुलर यूज में है, जीटा पे लग जाता है, जीटा पे लग जाता है, रेगुलर यूज में नहीं है, अल्टरनेट यूज है। अब वो नीचे चला गया ना प्लीज, पेज नंबर 64 फाइनल कर रहा हूँ। अब एक ऐसा हो गया स्टॉक है लेकिन रेगुलर यूज में नहीं है, तो देन फिर अब दो चीजें ढूंढनी होती हैं अपनी। डिस्पोजल वैल्यू है 135, एनी अदर यूज है, अल्टरनेट यूज की कोई कंट्रीब्यूशन है। सिंपली क्या करें, 3,000 इंटू 135 पॉजिटिव 5 ट्रिपोजिटिव डन है प्लीज। ये सी करें, कल हुई है बात शायद, स्टॉक पड़ा है, रेगुलर यूज में है, डिस्पोजल वैल्यू है, नॉट डिस्पोजल वैल्यू है, कौन सी है, ना डिस्पोजल वैल्यू है, ना कोई अल्टरनेट यूज है, अगर कुछ और ना बताया होता तो इसकी रेलिवेंट कॉस्ट जीरो है। 64 पे ही देखें,
पड़ा है, रेगुलर यूज में है, डिस्पोजल वैल्यू नहीं है, निल, ऑल्टरनेट यूज भी नहीं है। अगर वो ना लिखा होता जो नीचे आपको 10 नजर आ रहा है, तो रेलिवेंट कॉस्ट जीरो है, रेलिवेंट कॉस्ट जीरो है। नीचे पैराग्राफ पढ़ रहा, फर्स्ट पैराग्राफ, ना क्या है ना क्या है, ना बेच सकते हैं, ना कोई ऑल्टरनेट कंट्रीब्यूशन है। हाँ, लेकिन अगर ना इस्तेमाल किया तो बेचने पे खर्चा होना है। क्या वो खर्चा सेव हो जाएगा अगर इस्तेमाल कर लेंगे? तो लास्ट पैराग्राफ आप पढ़े, दोनों कटे गए। अगर बेचने पे भी कोई खर्चा ना होता, डिस्पोजल कॉस्ट भी ना होती, तो उठा लेते आप और यूज हो जाना था, रेलिवेंट कॉस्ट जीरो। लेकिन डिस्पोजल कॉस्ट है, डिस्पोजल कॉस्ट है, डिस्पोजल प्रोसीड्स नहीं है। बेच के कुछ नहीं मिलने पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन डिस्पोज ऑफ करने पे खर्चा है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस पे इम्प्लीमेंट करने का खर्चा होना। लेकिन वो खर्चा बचाया जा सकता है अगर इसे इस्तेमाल कर लिया तो। ठीक है, फाइनली बताए क्या करो? 2000 × 10, 20,000 पॉजिटिव या नेगेटिव? वाई नेगेटिव। इस्तेमाल करने से ये खर्चा बच जाएगा। ठीक है, तो जब आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी रेलिवेंट कॉस्ट है क्या। देन फिर वो नेक्स्ट डिसीजन है कि आपने उस रेलिवेंट कॉस्ट में प्रॉफिट कितना ऐड किया करना है। तो ये क्या 20,000 सेव हो सकता है अगर आप इसे यूज कर लेंगे? ये खाली पूरा बोल देता था 20 कब इंगर होगा और कब नहीं होगा। यूज नहीं करेंगे तो डिस्पोज करेंगे और डिस्पोजल पर खर्चा हो जाएगा, लेकिन अगर यूज कर लेंगे तो फिर डिस्पोज ऑफ नहीं करना पड़ेगा और देयर फॉर ये सेविंग, कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी। ठीक है नहीं यार, कोशिश तो करें ना यार, तो बिल्कुल ही सरेंडर कर देते हैं। आज पॉइंट नंबर 3 पर जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके नहीं प्लीज ये कंप्लीट करते जाइएगा प्लीज। मैंने हेडिंग के साथ आपको कहा था लिखना। जी सर, पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्शन ऑफ जीटा वुड रिक्वायर, प्रोडक्शन ऑफ जीटा वुड रिक्वायर, नंबर 1, 800 स्किल लेबर आवर्स एट 200 पर आवर, प्रेजेंटली 1440 लेबर आवर्स रिमेन आइडल ड्यूरिंग ईच मंथ। ये अंडरलाइन करें नेक्स्ट, ईच मंथ। अब एग्जामिनर जो है हर चीज में टेस्ट करता है, आपको ऊपर पॉइंट 1 देखा जरा, आपके कितने डेज लगने हैं, उन 15 को जरा जेन में रख के डिसीजन लें। कितने घंटे चाहिए? 800 चाहिए। कितने आइडल पड़े हैं? 1440 पड़े तो हुए हैं, लेकिन वो हर महीने पड़े हुए हैं, तो हाफ मंथ में कितने पड़े होंगे? डिवाइड बाय 2 करें, 720 के। अब आइडल आवर्स कितने अवेलेबल हैं? 800 टोटल चाहिए हैं, आइडल के अलावा कितने चाहिए हैं? तो क्या 800 × 200 करेंगे या 80 × 200 करेंगे? कितने आवर्स वैसे यूटिलाइज हो जाएंगे? 720 आइडल है, यूटिलाइज हो जाएंगे। क्या आइडल टाइम के भी लेबर को पैसे दे रहे होते हैं आप? यस सर दे रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। आइडल टाइम में लोगों को पैसे दे रहे होते हैं। हाँ, अगर उसी टाइम में लेकिन आप काम करवा लें तो फिर आपको एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे। कितने एक्स्ट्रा आवर्स के पैसे देने पड़ेंगे? 80, तो सिर्फ वही रेलिवेंट होगा। 800 × 200 या 80 × 200? 720 वाला समझ आ गया कैसे? ईच मंथ है और 15 डेज है, तो 1440 डिवाइड बाय 2, विच मीन शायद वर्किंग इस तरह करेंगे हम, 800 − 720 मल्टीप्लाइड बाय 200, फाइनल आंसर बताएं 16,000 लिखे वर्किंग स्किल्ड आवर्स। जी चल रहे हैं जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कर रहे हैं सर।
डिक्लेयर हो गया प्लीज। टू फिफ्टी अनस्किल्ड लेबर आवर्स, आगे चलें प्रिया। टू फिफ्टी लेबर आवर्स अनस्किल्ड विच कैन बी हायर्ड, करने हैं तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 120 इज इक्वल टू 30,000। रेलिवेंट है जी, कैन बी हायर्ड, रखा जा सकता है, खर्चा होगा 120 पर आर के हिसाब से। नेक्स्ट और 150 मशीन आज भी चाहिए, लेकिन इफ द मशीन इज नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ जीटा, इफ इट मशीन इज नॉट यूज फॉर जीटा, इट मे बी लीज्ड आउट फॉर 4,000 पर डे। इसका जरा खुद से सोचें और कैंड इसकी वर्किंग भी करें, मुझे फिर फाइनल एक आंसर सब बताइएगा। कर ले। मशीन के 150 आज चाहिए, लग रहा है कि मशीन अवेलेबल नहीं है, लग रहा है कि मशीन अवेलेबल है, लेकिन अगर उसे इस्तेमाल ना करें तो रेंट पे दिया जा सकता है। अच्छा, लीज्ड आउट जेफर टू पढ़ रहे हैं वो भी, और काइंडली जो नहीं पढ़ रहे, लीज्ड आउट सिंपली मींस रेंट आउट है, देखो फाइनेंस लीज वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना, एफ टू जल्द बात है, सिंपली लीज मींस रेंट है। इट मे बी लीज आउट एट 4,000 पर डे, ये 4,000 कब कमाया जा सकता है? अगर हम जीटा नहीं बनाएंगे तो पर डे 4,000 कमाया जा सकता है, और इन अदर वर्ड्स अगर बनाएंगे जीटा तो फिर ये नहीं कमाया जा सकेगा। इसके साथ लिखें वर्ड्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, किसको कहाँ इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मशीन को कहाँ इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग द मशीन फॉर जीटा, कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा अगर हमने मशीन को जीटा में इस्तेमाल किया, कैसे 4,000 पर डे है मल्टीप्लाइड बाय 15 है इज इक्वल टू 60,000 रुपीज का नुकसान हो जाएगा। इसे आप अपनी वर्किंग में पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? और यार रेंट है, रेंट इनकम है, ये रेंट इनकम है, लेकिन वो नहीं मिल सकेगी, ये नुकसान है। प्लस या माइनस? वाई प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, वाई प्लस है, नहीं वो तो ठीक है, मतलब वाई प्लस प्लस क्यों, माइनस है, रेंट है, इनकम है, इनकम कमा सकते हैं या नहीं कमा सकेंगे? क्लियर है? एक नजर पढ़ने जी, पॉइंट नंबर 3 सर, फर्स्ट पॉइंट की स्टोरी के, स्पीड अप, स्पीड अप है, 800 चाहिए लेकिन 15 दिनों में, तो 720 अवेलेबल है, तो 80 और चाहिए, 250 रुपया जो 450 अनस्किल्ड चाहिए उन्हें रखना पड़ना, तो वो तो जब हायरिंग करेंगे तो हायरिंग कॉस्ट आएगी, और मशीन के घंटे हैं, मशीन अवेलेबल है लेकिन लीज पे दी जा सकती है अगर हम इसे यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? नंबर 4, जीपीएल अब्सॉर्ब ओवरहेड्स एट 400 पर स्किल्ड भी एंड अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड आ रहा हो या अनस्किल्ड आ रहा हो, 400 रुपया पर आर ओवरहेड्स का खर्चा है। अब ओवरहेड्स वर्ड हाईलाइट करें, वेरिएबल या फिक्स? नेक्स्ट में कहता है बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50,000 आवर्स फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 6 मिलियन। लास्ट पॉइंट बाद में पड़ी गई, यहाँ अब 400 में प्रॉब्लम क्या है जी? पेज नंबर 65 देखना जरा, वेरिएबल ओवरहेड्स रेलेवेंट होते हैं लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स का जो अब्सॉर्प्शन रेट की बेस पे ओवरहेड्स है वो फिर रेलेवेंट नहीं है। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ना, 400 का ब्रेक करना पड़ना, कैसे हो सकता है? सेकंड सेंटेंस इजी है यार, बहुत दफा हो गया हुआ, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अवेलेबल है कितने, 6 मिलियन, बजटेड आवर्स भी अवेलेबल है, बजटेड आवर्स नॉर्मल कैपेसिटी, वर्ड याद रखने की कोशिश करें, व्हाट इज 120, फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आर, व्हाट इज 400, तो 400 माइनस 120 इज इक्वल टू 280, क्या वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर, लिखे वर्किंग,
व्हाई दिस सेग्रीगेशन इज नेसेसरी, क्या रेलिवेंट है क्या नहीं है, फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट ऑन द बेस ऑफ अब्सॉर्प्शन रेलिवेंट नहीं है, देन क्या करें टू 80 का फाइनल बताया था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 280 को किससे, नहीं 80 नहीं है, ये जरा क्लियर कर लेते हैं, ये नहीं बन सकता था किससे, स्किल्ड लेबर और से भी और अनस्किल्ड दोनों से मिला के करना, स्किल्ड से भी मल्टीप्लाई करना है अनस्किल्ड से भी मल्टीप्लाई करना है। आपने बात बिल्कुल सही की है, जरा पॉइंट नंबर 3 के फर्स्ट सेंटेंस पे जाए, 800 से मल्टीप्लाई करूं या 80 से करूं, क्या ओवरहेड्स भी बस उन्हीं आवर्स में आएंगे जिन आवर्स के पेमेंट करेंगे, क्या एम्प्लॉइज ने काम 800 घंटे करना है, और अगर वो काम नहीं कर रहे होंगे तो क्या आपने बिजली और जनरेटर बंद किया हुआ होगा, लेकिन जब वो काम करना शुरू करेंगे तो यकीनन उनके पैसे तो इसलिए रेलिवेंट नहीं कि आइडल में भी पैसे दे रहे होंगे, लेकिन क्या ओवरहेड्स तभी इनकर होंगे जब वो काम कर रहे होंगे, तो 800 घंटों के ओवरहेड्स पड़ेंगे या सिर्फ 80 के पड़ेंगे, तो ओवरहेड्स उन्हीं आवर्स में होंगे जो वर्क आवर्स, दोबारा देखो सोच लो, 80 पे वापस आ जाओ, काम उन्होंने 800 घंटे ही करना है, लेकिन उसमें से बस 80 घंटों का लेबर का खर्चा रेलिवेंट क्यों है, उनके आइडल के भी हम पैसे दे रहे होंगे, लेकिन आइडल आवर्स में आपके ओवरहेड्स इनकर नहीं हो रहे होंगे, वो क्यों, जब काम नहीं हो रहा होगा तो डेफिनेटली ना मशीनें चल रही होंगी और ना ही आप ऐसे ही फजूल में अपनी बिजली वगैरह जाया कर रहे होंगे, लेकिन जब काम शुरू हो जाएगा तो उसके ओवरहेड्स इंकर होना शुरू हो जाएगा, तो 800 या 80, ऊपर 80 क्यों इधर 800 क्यों, अच्छा ये भी क्लियर रखिए, 80 घंटे काम नहीं होना, काम 800 घंटे ही होना, लेकिन आपकी और पेमेंट भी 800 घंटों की होनी है कंसल्टेशन तरह, लेकिन उनमें से 720 की शायद होनी ही होनी है, इसलिए वो हम रेलिवेंट कंसिडर नहीं कर रहे, बाकी 80 की इंक्रीमेंटल है, लेकिन ओवरहेड्स कितने आवर्स में इंकर होंगे, 800 वो और अगले पॉइंट में 250 वो, ये दोनों इकट्ठे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रेट है वो हमें स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों का दिया हुआ है, अगर सिर्फ स्किल्ड का होता है या अनस्किल्ड का होता तो हम अकॉर्डिंगली वर्किंग करते हैं, तो प्लीज बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 800, इसने शायद आगे भी कई दफा रिपीट होना है, क्लियर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 280 फाइनल करें जी आंसर 294, बाकी डेफिनेटली अगर वर्किंग अलग भी करना चाहे 800 into 280 and 250 into 280, दोबारा सोच लीजिएगा प्लीज, वहां 80 क्यों यहाँ 800 क्यों, अपने आप को सुना ले फिर मैं आपसे पूछता हूँ, एक जीरो का ही फर्क, ये ना कह दीजिएगा राउंड ऑफ हो गए, वहां 80 क्यों यहाँ 800 क्यों, वहां भी 800 ही की पेमेंट है, लेकिन कितने आवर्स की पेमेंट रेलिवेंट क्यों नहीं है, पेमेंट हो ही जाएगी हालांकि काम नहीं हो रहा होगा, तो अगर काम करवा लेंगे तो नथिंग इज एक्स्ट्रा रिगार्डिंग दैट रिगार्डिंग दो 720 आवर्स, तो 80 एक्स्ट्रा आवर्स होंगे, लेकिन ओवरहेड्स कब इंकर होंगे, जब काम शुरू होगा तो फिर ओवरहेड्स भी इंकर होंगे, तो काम तो 800 घंटे ही होना है, देयरफॉर ओवरहेड शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क, शायद अगर वेरियंस थोड़ा ज़हन में आ जाए, आइडल टाइम को याद आ जाएगा, लेबर में भी था तो वो लेबर में होता है सर, अदरवाइज बाकी में तो एक्चुअल आवर्स वर्क वगैरह ही, देख लें जी बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं करा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट चले सेंटेंस का पॉइंट नंबर 4 का भी एक रहता है आखिरी सेंटेंस इस पैराग्राफ का, इफ जीपीएल डिसाइड्स टू प्रोड्यूस सीटा fixed overheads would increase by underlying, ये क्या, ये भी relevant है, relevant है irrelevant है, किस नाम से relevant है, incremental fixed cost, अपना पेज पूरा करते रहे कैंडिडेट, अपना रजिस्टर का सफा कैंडिडेट फाइनल करते चले जाएं, जहां मैं लिखता हूं वहीं आप भी लिखते हैं, आखिरी दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इन द सेंस, थोड़ा गौर से सुनना, नंबर 5 शुरू करो, एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जीटा,
जर्नल एडमिन कॉस्ट प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन? नॉन प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन की एग्जांपल्स मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मार्जिनल कॉस्टिंग हो तो सिर्फ कौन से ओवरहेड्स? कौन से ओवरहेड्स? मटेरियल ओवरहेड देना यार, वेरिएबल ओवरहेड्स। और अगर अब्सॉर्प्शन है तो फिक्स भी, फिक्स भी। नॉन प्रोडक्शन एग्जांपल्स सेलिंग, एडमिन ना करें यार, ना करें। डिस्ट्रीब्यूशन नॉन प्रोडक्शन। इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। असल में ये जो रेलिवेंट कॉस्ट वर्ड है ना, ये शायद एक मेन हेडिंग है। उसमें जरा मैं एक दो एग्जांपल्स जरा आपके सामने बोलूंगा, जरा वर्ड्स बोलूंगा, आप बताइएगा क्या ये रेलिवेंट है या नहीं है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेलिवेंट होती है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेलिवेंट होती है। वेरिएबल ओवरहेड्स रेलिवेंट होते हैं? वेरिएबल ओवरहेड रेलिवेंट होते हैं। अनअवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट रेलिवेंट नहीं होती यार। अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल किसे कहते हैं? जिसे होना ही है, जिसे होना ही होना है। अनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल, अवॉइडेबल रेलिवेंट है, अवॉइडेबल रेलिवेंट है। संक कॉस्ट भी रेलिवेंट है। संक 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 भाजन, संक 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 ये रेलिवेंट है। कमिटेड कॉस्ट, ये टाइकी ढूंढने जरा, तो टाइकी टाइकी। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन पीछे। एक लीज एग्रीमेंट हुआ था, अगर एग्रीमेंट हो गया हो तो कमिटेड कॉस्ट कहलाती है, और अगर एग्रीमेंट हो गया है तो उसने अब खर्चा होना ही है, अपनी लीज करवा ली है, क्या उसके रेंटल आप देने ही देने हैं? देने ही देने। तो ये कमिटेड कॉस्ट इज एन एग्जाम्पल की एक एग्जाम्पल है, लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट। तो अवॉइडेबल है ना, अवॉइडेबल है। तो असल में एक मेन टर्म है रेलिवेंट कॉस्टिंग, उसमें फिर कुछ रेलिवेंट नॉट रेलिवेंट कॉस्ट है, कुछ रेलिवेंट कॉस्ट है। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताएंगे, रेलिवेंट है इनरेलिवेंट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट है। आपको एक रास्ता छोड़ के अगर दूसरे रास्ते पे जाना पड़ रहा है तो वो जहन में रखना है आपने, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं उस दूसरे रास्ते का नुकसान। आ जाए वापस तो बताइए, पॉइंट नंबर फाइव क्यों रेलिवेंट है? इंक्रीमेंटल है तो, लेकिन नॉन प्रोडक्शन है, ये भी क्लियर होना चाहिए, लेकिन इंक्रीमेंटल होने की वजह से रेलिवेंट। दाना जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेटर नंबर सिक्स पढ़ बच गया इंशाल्लाह। द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ जीपीएल अंडरलाइन हैज इंकर्ड, देखो थोड़ा सा मेरा ख्याल है इंग्लिश का भी टेस्ट हैज इंकर्ड मींस विल इंकर, वुड इंकर, फर्क पड़ता है सर यहीं से शायद। हैज इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 20,000 ऑन प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ जीटा। ये तो रेलिवेंट है, क्यों क्यों? क्या ये खर्चा हो गया है? तो होना है तो जीटा के लिए, तो जीटा के लिए रेलिवेंट है। नहीं, असल में काम होना हो कैसे, ज्यादा बेहतर वर्ड्स है ये, एग्रीमेंट या ये कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले, रिक्वायरमेंट में जाए जरा, क्या जीटा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हुआ? हम उसकी प्राइस कोट कर रहे हैं, अब ये कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले, कौन सा खर्चा हम कर बैठे हैं? नहीं, प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले कौन सा खर्चा कर बैठे हैं? फिजिबिलिटी स्टडी बनाने वाला खर्चा कर बैठे हैं। अगर यहाँ वर्ड्स होते वुड बी इंकर्ड, इसने रेलिवेंट हो जाना था, इसने रेलिवेंट हो जाना था। अच्छा थोड़े से मैं और वर्ड्स चेंज करने लगा हूँ, एज इट इज सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस के सपोज एंड में लिखा हुआ है, बिल्कुल एंड में आ रहा है, जहाँ प्रोडक्शन ऑफ जीटा लिखा हुआ है उसके आगे अगर सपोज वर्ड्स होते टू बी पेड इन फ्यूचर, पूरा सेंटेंस वही है, टू बी पेड इन फ्यूचर, टू बी पेड इन फ्यूचर, सदी इंकर हो गया, चाहे फ्यूचर में देना हो, खर्चा हो गया है, हो गया है, पे अगर करना भी है तो करना ही करना है, तो इवन देन इरेलेवेंट होना था। लेकिन ज्यादा इसके लिए अच्छा वर्ड आएगा,
ये रेलिवेंट तो वैसे नहीं है ना प्लीज, लेकिन किस वजह से रेलिवेंट नहीं है, ये संक कॉस्ट है, संक कॉस्ट है, संक जरा सोचो। हाँ ऑलरेडी इंकर्ड है, वी कांट डू एनीथिंग। संक संक का मतलब क्या, ये खर्चा बस हो गया, वी कांट डू एनीथिंग। फ्यूचर में कुछ होना हो, एग्रीमेंट होना हो, दिस कॉस्ट विल नॉट चेंज। ठीक है, कुछ संक एग्जाम्पल दें आप, पता है आपको? नहीं स्ट्रेंड नहीं सही, चलिए ये वाली होगी, चलिए बाइंड अप करें। कहाँ तक इकट्ठा कर लिया हुआ आपने? ये 150 लिख लिया हुआ, इसे 1 लाख भी लिखना है, टोटल करवाया जरा 1 मिनट। सबसे पहले 1 मिलियन लिखा है, कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें। मैं भी मीनवाइल लिख रहा हूँ, 4,05,000 लिखा हुआ, आगे बोलते रहे जरा। 20,000 लिखा हुआ है, 16,000 लिखा हुआ है, 20,000 माइनस वाली बात समझ आ गई जी? बताएं जी, मशीन आवर्स की कॉस्ट बताएं कितनी है इनाम साहब, मशीन आवर्स की कॉस्ट बताएं कितनी है उसका। उसने रेट नहीं दिया हुआ है तो वी कांट डू एनीथिंग यार। अगर वो कोई आवर्स ऑफ मशीन का रेट बताता तो मशीन चलने के घंटों के पैसे यकीनन रेलिवेंट होते हैं, अगर कोई वेरिएबल कॉस्ट होती। नाम सर ठीक जी, कौन कौन सी फिगर्स हमने छोड़ी हैं जरा मुझे ढूंढ के बता दें जरा। एक तो लास्ट छोड़ी है संक होने की वजह से, 720 क्यों छोड़ा? नहीं आइडल कार्स के पेमेंट हो जाने की वजह से शायद, और बस ये दो मेन चीज छोड़ी, बाकी तो ऊपर खैर मटेरियल के डिसीजन में तो बहुत सी चीजें रेलिवेंट ही नहीं थी। टोटल की जगह टोटल TRIPL 0, लेकिन ये बड़ा भी रेलिवेंट कॉस्ट आई है, ये मार्कअप मार्जिन वगैरह में गलतियां बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। 2035 डिवाइडेड बाय इंटू इज इक्वल टू वाई इज इट इज 80। सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट देयर फॉर 80 होगी, अगर प्रॉफिट 820 है तो कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100। ये हमारी चॉइस नहीं है कि बेस किसको रखना है, ये चॉइस किसकी है, आप क्या काम किया है। नहीं 150 आवर्स में क्या कॉस्टिंग करोगे, 150 आवर्स चाहिए ना, लेकिन 15 दिन चाहिए ना, 15 दिन मशीन चाहिए, ऊपर 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है ना। अब 15 दिन में से हर दिन कितनी कितनी इस्तेमाल होनी है ये उसने बताया नहीं है। अगर तो 1 दिन में इस्तेमाल हो जानी है फिर हो सकता है बाकी दिनों को आप रेंट में दे दें। 150 घंटे चाहिए, कितने कितने किस दिन इस्तेमाल होंगे ये उसने बताने की बजाय, नहीं अब वो तो हमारी अजम्पशन ही हो सकती है ना। उसने कहा 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है तो 15 दिन में इसका मतलब मशीन पास रहनी है, देयरफॉर वो 15 दिन का जो रेंट हम नहीं कमा सकेंगे वो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ठीक जी, ठीक है जी, आप इनाम साहब ये एक नज़र रिवाइज कर लें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, प्लीज पढ़ा करें यार। अच्छा एक छोटा सा होमवर्क और रखें, वो जो मैंने डिजिटल का है ना, डिजिटल में एक दो दिन अभी लगा लीजिएगा, वो जरा काफी लेंथी क्वेश्चन है, एक जरा इसी तरह का जरा एक छोटा सा होमवर्क रखना है ताकि जरा खुद से सोच के आ सकें आप। पेज नंबर ढूंढे 92, जहाँ पे वो हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 1-2 है JD, ये फिर मैं कल डिस्कस करूंगा। पेज नंबर 95, सॉरी पेज नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 2।
पेज नंबर 95 पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी। नुकसान है जी, पॉजिटिव इसलिए लिए क्योंकि नुकसान है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बेनिफिट फॉर गॉन है। एग्जाम में भी इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्या? हम एग्जाम के बाद के लिए पढ़ रहे हैं? वसीम साहब जाने दे, गुस्सा है, पेपर में ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन आई होप कि आपने किताब पे सॉल्व नहीं किया और देर पर पूछ तो नहीं रहे कि किताब पे सॉल्व करेंगे या ये ऐसे सॉल्व किया आपने जैसे मैंने अभी किया। एग्जाम में ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने कर लिया हुआ था, तो रजिस्टर पे आपने कर लिया वैसे ही सॉल्व करना है। बिल्कुल ऐसे सॉल्व कीजिएगा कि इस तरह का सवाल आ गया, अल्लाह मालिक बात जी। सर ये पेज नंबर कहीं ढूंढे, ये कौन से पेज पे मैंने क्वेश्चन बताया? मीनवाइल इस तरह कीजिएगा जरा, पेज नंबर 88 निकालेगा, पेज नंबर 88। ये कुछ टर्म्स यूज हो रही है, इन टर्म्स की जरा डेफिनेशन थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए यार। एग्जामिनर थ्योरेटिकली अगर डेफिनेशन पूछ ले तो आपको डेफिनेशन के एंगल से भी आइडिया होना चाहिए। तो लिखा हुआ है टर्म्स यूज्ड इन रेलेवेंट कॉस्टिंग, several terms are used in relevant costing to indicate how certain cost might be relevant or not relevant to the decision. jitna jitna main bataunga kind itna utna underline kar lijiyega aur revision karte hue zarur nazar padni chahiye. incremental cost ki definition ek padhe, it is an additional cost that will occur if a particular decision is taken. isko underline karna, ye kind saath saath rahega please, और तीन तीन दफा रिपीट करना है जो मैं कहूंगा अंडरलाइन करना। इंक्रीमेंटल कॉस्ट किसे कहते हैं जी? दूसरी दफा और एक दफा जरा मेरी तरफ देख के बोलने की कोशिश करें। सेकेंड लाइन में जाएं, एंड के वर्ड्स अंडरलाइन करें, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट। देन आ जाए डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट का डिफरेंशियल कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले जरा एक छोटी सी एग्जांपल देखे नीचे जरा, बस करें यार। कौन सा पेज रहने दे पेज। अ कंपनी नीड्स टू हायर अ फोटोकॉपियर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। हायर अ फोटोकॉपियर, हायर का मतलब होता है रेंट, एक फोटोकॉपी मशीन को रेंट पे लेने लगे हो, इसका शायद गाड़ी हायर कर ले, वर्ड है ना ऐसे, तो रेंट के लिए एंगल से वर्ड होता है। इट हैज टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू यूजिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोटोकॉपियर व्हिच इट करंटली रेंट्स फॉर 2000 ईच मंथ। शायद कोई एग्जिस्टिंग फोटोकॉपी मशीन ऑलरेडी है जिसका हम 2000 पर मंथ रेंट दे रहे हैं, और वेदर टू स्विच टू यूजिंग अ लार्जर फोटोकॉपियर दैट विल कॉस्ट 3600 ईच मंथ। कहां जाना चाहते हैं, किस फोटोकॉपियर की बजाय किस फोटोकॉपियर की तरफ जाना चाह रहे हैं? तो चले जाए, अगर जाएंगे तो कितनी डिफरेंशियल कॉस्ट आएगी, बस इतनी सी बात है। डिफरेंस कॉस्ट, ये कब रेलिवेंट वर्ड होंगे, ये वर्ड्स रेलिवेंट कब होंगे? जब दो कोई ऑल्टरनेट्स आप कंपेयर हो रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे, तो एक ऑल्टरनेट से दूसरे ऑल्टरनेट की कॉस्ट में जो फर्क होगा वो डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंशियल कॉस्ट पर मंथ? 1600। लेकिन फर्स्ट लाइन देखें, 6 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 1600 इनटू 6 करें कैलकुलेटर पर, तो 9600 के है। ये पे रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दिस डिसीजन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो कंडी जरा लिख लेना छोटा सा अपने हाथ से। 3600 माइनस 200, 3600 माइनस 2000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ्स, 9600. So 9600 is a differential cost between these two alternates for next 6 months
क्या ये 9600 आपको जहन में रख के डिसीजन लेना चाहिए? अगर आपने इस फोटोकॉपियर से दूसरे फोटोकॉपियर पे जाना है तो क्या ये डिसीजन करते आपके जहन में रहना चाहिए कि 9600 का इजाफी खर्चा आएगा? तो डिफरेंशियल कॉस्ट भी रेलिवेंट कॉस्ट है। ऊपर आ जाए वापस। तो ये कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशंस नहीं, कुछ स्टैंडर्ड नहीं बने हुए, थोड़ा सा बस आइडिया देने के लिए शायद यहाँ लिखा हुआ है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट की फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करें। डिफरेंशियल कॉस्ट इज द अमाउंट बाय विच फ्यूचर कॉस्ट विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन वेदर डिपेंडिंग ऑन विच कोर्स ऑफ एक्शन इज टेकन। तीन दफा पढ़ दें। तो फर्स्ट लाइन कैंडी और लास्ट वर्ड्स अंडरलाइन करें इसी फर्स्ट पैराग्राफ में। क्या ये भी कोई रेलिवेंट कॉस्ट है? नेक्स्ट वर्ड्स पे आते हैं। अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है इंग्लिश में पढ़े? इट इज अ कॉस्ट दैट वुड बी सेव्ड डिपेंडिंग वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर एक्शन इज टेकन। अनअवॉइडेबल कौन सी कॉस्ट होती है? दैट विल बी इंकर्ड एनी वे। ढूंढने 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 ऐसा खर्चा जो बचाया जा सकता है, बच सकता है आपके डिसीजन की वजह से, वो तो फिर अवॉइडेबल है। लेकिन जिसने होना ही है, चाहे आप जो मर्जी कर लें, वो फिर अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ें। क्या अनअवॉइडेबल कॉस्ट रेलिवेंट है? रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी है? अवॉइडेबल कॉस्ट रेलिवेंट होगी डिसीजन में। अनअवॉइडेबल कॉस्ट जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिर इररेलेवेंट ऑफ मेकिंग अ डिसीजन है। ठीक है सर, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। कमिटेड कॉस्ट की भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। कमिटेड कॉस्ट की डेफिनेशन देखें। कमिटेड कॉस्ट आर अ कैटेगरी ऑफ अनअवॉइडेबल या अवॉइडेबल। कमिटेड कॉस्ट की नेक्स्ट डेफिनेशन देखें। इट इज अ कॉस्ट दैट अ कंपनी हैज ऑलरेडी कमिटेड टू और एन ऑब्लिगेशन ऑलरेडी मेड ऑलरेडी मेड ऑलरेडी कमिटेड। कमिटेड कॉस्ट के ऊपर कहीं वर्ड्स के साथ लिख लें, कॉस्ट दैट इज ऑलरेडी एग्रीड। नहीं, असल में इंकर्ड जरूरी नहीं है। वैसे आपने मशीन लीज पे लिए और रेंटल देने फ्यूचर में ही है, तो रेंटल एक्सपेंस अभी इंकर भी नहीं हुआ, लेकिन अब उसने इंकर हो ही जाना है, चाहे अनलेस आपका जो रेंट का एग्रीमेंट वो टर्मिनेट हो जाए। तो इंकर भी जरूरी नहीं है, ऑलरेडी एग्रीड है और उसने अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट अब फ्यूचर में होना ही है, आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है ये कैंसिल किया जा सकता है, तो देन जितने बस रेंटल्स मजबूरन देने पड़ेंगे वो आपकी कमिटेड कॉस्ट है, और जितने फिर बच जाएंगे क्योंकि कैंसिलेशन हो सकती है, वो फिर अवॉइडेबल कॉस्ट हो सकती है। तो कमिटेड कॉस्ट का क्या है, जरा दोबारा वर्ड्स के साथ रहा। कॉस्ट दैट अ कंपनी हैज ऑलरेडी कमिटेड या कोई ऑब्लिगेशन है। मसलन फॉर एग्जांपल ऑब्लिगेशन के एंगल से एग्जांपल लेट्स रॉ मटेरियल आपने खरीदा, पैसे नहीं दिए एंट्री वाले, रॉ मटेरियल डेबिट कैश पेएबल क्रेडिट है, क्या पैसे फ्यूचर में देने? लेकिन आप देने ही है, तो पैसे देने ही है, ऑब्लिगेशन बन चुकी है। लेकिन अगर फ्यूचर में परचेज करनी है तो क्या परचेज करेंगे तो खर्चा होगा, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, परचेज नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो फ्यूचर की परचेज कॉस्ट रेलिवेंट है या रेलिवेंट है? फ्यूचर की परचेज कॉस्ट रेलिवेंट है, लेकिन अगर आप परचेज कर चुके हैं और पैसे नहीं भी दिए तब भी वो रेलिवेंट है, तब कैसे रेलिवेंट है? नहीं, असल में शायद सही फाइनल ये है कि आपका डिसीजन खर्चा बदल सकता है या नहीं, और अगर आप जो मर्जी डिसीजन लें खर्चा होना ही है या हो गया है तो फिर वो इरेलेवेंट है। लेकिन अगर आप अपने डिसीजन से अपने खर्चों को कम या ज्यादा करने की पोजीशन में है, वो अकॉर्डिंगली फिर अवॉइडेबल कॉस्ट है रेलिवेंट कॉस्ट का। अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल वर्ड्स ले रहे हैं क्या? क्या ऐसा खर्चा जो सेव किया जा सकता है अवॉइडेबल, और अगर नहीं किया जा सकता अनअवॉइडेबल। कमिटेड कॉस्ट अवॉइडेबल है या अनअवॉइडेबल है? अवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है, रेलिवेंट है या नॉट रेलिवेंट है?
क्योंकि ये अनअवॉइडेबल है इसलिए नॉट रेलिवेंट है, नेक्स्ट लाइन में नॉट रेलिवेंट कॉस्ट। और एक एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ, लीज नॉर्मली रिप्रेजेंट कमिटेड कॉस्ट। तो चार पांच चीजें ढूंढने जरा, नंबर एक कमिटेड कॉस्ट अनअवॉइडेबल है, फिर उसकी एक छोटी डेफिनेशन, एक ऐसी कॉस्ट जो कमिट हो गई है या ऐसी ऑब्लिगेशन जो ऑलरेडी एग्री हो गई है, नॉट रेलिवेंट है एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा वैसे लीज के साथ रेंट एग्रीमेंट भी लिखना, मतलब एक तो एसेट्स की लीज है और अगर कोई अपने फॉर एग्जांपल बिल्डिंग रेंट पे लिए, ले ली हुई है, अगर ले लेनी है तो वो रेलिवेंट है, फ्यूचर में ले लेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लेंगे तो वो अवॉइडेबल खर्चा है। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया है तो जब तक वो एग्रीमेंट रहेगा आपको वो रेंटल आप देने होंगे, ठीक है। तो जब तक आप उसे टर्मिनेट नहीं कर सकते तब तक का रेंट अनअवॉइडेबल कॉस्ट कंसिडर होगा। मेरे अलावा किसी को समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ये पेज नंबर आ गया यार, सॉरी पेज नंबर आप लोगों को पता है क्या कौन सा? पेज नंबर 89 है, 88 माइनस 1 प्लस 1 89 है जी सर। सन कॉस्ट आ गई सर, सन कॉस्ट कॉस्ट दैट आर दैट हैव ऑलरेडी बीन इंकर्ड यार, और कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन कमिटेड बाय एन अर्लियर डिसीजन। वैसे ज्यादा बेहतर वर्ड यही है, ऑलरेडी बीन इंकर्ड, थोड़ा सा शायद एक बारीक सा फर्क है वैसे तो। अच्छा ये संक कॉस्ट रेलिवेंट है या रेलिवेंट है? ये भी रेलिवेंट कॉस्ट है। इसमें और कमिटेड कॉस्ट में क्या फर्क है? कमिटेड कॉस्ट हो सकता है फ्यूचर में इंकर होनी हो और संक कॉस्ट ऑलरेडी इंकर हो गई हो। कमिटेड कॉस्ट ने शायद इंकर फ्यूचर में होना है, लेकिन होना ही होना है। और संक कॉस्ट कौन सी है? जो इंकर भी हो चुकी है, लाइक फॉर एग्जांपल ग्लोबल में जाएं जरा, पेज नंबर क्या था ग्लोबल का? अभी जो क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जरा 82 पेज पे लास्ट लाइन पढ़े जरा, जहाँ फिजिबिलिटी वाली पॉइंट आया था। और सोच के बताएं वो नहीं, वो संक में आएगी या कमिटेड है? खाली संक बेहतर है उसके लिए, इंकर हो गई है, संक इंकर भी हो गई है और कमिटेड इंकर तो शायद नहीं हुई लेकिन इंकर हो जाना है बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट। हजम हो रहा? तो संक क्या है? खर्चा होके डूब गया है। और कमिटेड क्या है? खर्चा होके डूब जाएगा, खर्चा हो ही जाएगा, हम कमिट हो चुके हैं, हमने एग्रीमेंट कर लिया है। तो एग्रीमेंट करने से पहले सोचें या बाद में? पहले सोचें कि क्या जरूरी भी है या नहीं, क्योंकि अगर कर लिया तो फिर जब तक वो एग्रीमेंट बहाल रहेगा आपको अकॉर्डिंगली उसे फुलफिल करना होगा। क्या आईकैप में आपकी रजिस्ट्रेशन संक कॉस्ट है? यस सर, संक कॉस्ट है। अब यू कांट डू एनीथिंग। नहीं, वो तो कमिटेड, तो आगे आप सीए में रहे तो कौन सी कमिटेड कॉस्ट है? हर 6 महीने बाद पेपरों की, ये हो ही जानी है, एनुअल सब्सक्रिप्शन हो ही जानी है। कब तक ये रेलिवेंट नहीं है? अब जब तक सीए हो ना जाए, तो जल्दी से खत्म करें, कुछ ज्यादा ही कमिटमेंट्स हो गई। संघ कौन सी है? जो फीसें आप जमा करा चुके हैं वो डूब चुकी हैं सर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने उनके डूबने से फायदा उठा लिया हुआ है, बस ये हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह जो बाकी कमिटेड है उनका आपने पूरा का पूरा फायदा उठा लेना है। छागे यार, तो इंशाल्लाह का मतलब ये है कि अब आराम से सो जाएं, अगली डेफिनेशन पे आ जाए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कमिटमेंट हो गई है, अब कर ही कुछ नहीं सकते, अपने इस वादे को पूरा करना ही होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन एक दो तीन और आती है। अगर कर देंगे, मैं बार बार शायद आपसे कहा लीज कॉन्ट्रैक्ट के रेंटल्स कब तक कमिटेड कॉस्ट है? नहीं, जब तक एग्रीमेंट कैंसिल ना हो जाए। तो अगर आप कैंसिल कर देंगे तो डेफिनेटली कैंसिल करने की बात नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये शायद कैंसिल करना इतना आसान नहीं होता। हाँ, वो दूसरी आप असल में आपके जहन में जो अपने सीए से रिलेटेड जो बात आई है, ये भी डेफिनेटली कमिटेड कॉस्ट खत्म हो सकती है अगर आप अपनी कमिटमेंट से अल्लाह हाफिज कह दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चॉइस नहीं है, हम कुछ ज्यादा ही कमिट हो गए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पेरेंट्स ने मोहल्ले में फैला दिया हुआ है कि हमारा बच्चा तकरीबन सीए कर चुका है,
आने वाला है, वापस आने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ठीक है ना, उनका हक बनता है, इतना अरसा हो गया यहाँ, क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, डेफिनेशन आ गई सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द कॉस्ट दैट मेयर्स अपॉर्चुनिटी दैट विल बी लॉस्ट, दैट इज लॉस, सॉरी इज लॉस्ट और सेक्रीफाइस व्हेन द चॉइस ऑफ वन कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्स एन ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन बी गिवन अप। इसकी कोई ट्रांसलेशन करे दी अपने लफ्जों में, पहले अपने आपको सुनाए, ठीक है ठीक है ठीक है, आपके सामने दो रास्ते हैं, किसी एक रास्ते पे जाने की वजह से दूसरे रास्ते का फायदा आपके जहन में रहना चाहिए कि मैंने ये कदम उठा दिया एक रास्ते पे, उसकी वजह से जो दूसरे रास्ते का फायदा मैं उठा सकता था और अब नहीं उठा सकूंगा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अच्छे वर्ड से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट दैट इज लॉस्ट या बेनिफिट सेक्रीफाइस, क्यों, बिकॉज ऑफ चॉइस ऑफ वन कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्स, कितने रस्तों पे एट ए टाइम जा सकते हैं, लेकिन बहुत से रस्ते सामने हैं, अच्छा कि बहुत से रस्ते सामने हो और फिर एक रास्ता अडॉप्ट कर लें, फिर किस रस्ते का फायदा जहन में होना चाहिए, हाँ जी जो उनमें से हायर है, नेक्स्ट बेस्ट हाइएस्ट बेस्ट, 10 रस्ते हैं, 9 रस्तों का फायदा छोड़ के आप एक रस्ते पे जा रहे हैं, तो सबका प्लस नहीं शायद, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, सब पे जा ही नहीं सकते, एक रस्ते भी जा सकते हैं उस जिसमें नहीं तो उसमें चले जाते, तो नेक्स्ट बेस्ट जो नेक्स्ट बेस्ट रास्ता छोड़ा आपने, उसका फायदा उस रस्ते पे जाने का, जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी जिस पे आप चल पड़े हैं, सही कहा मैंने या कुछ उलट कह दिया, डेफिनेशन समझ आ गई, सही ही कहा होगा, जरा आप अंग्रेजी में बता दें, अंग्रेजी पढ़ के यार सही याद करना पड़ना है, एग्जामिनर ने बड़े आराम से 2-4 नंबर का सवाल बना देना, हमने कहना देखी ये वाला पूरा होना चाहिए, इसमें 4/4 होने चाहिए, कर ले हिम्मत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जाम्पल पढ़ के देखें तो खुश हो रहा, ये जो इस तरह के क्वेश्चन था ना इनकी इंग्लिश समझना भी मुश्किल हो जाता है, सिनेरियो से बन जाता है, तो इंग्लिश की ट्रांसलेशन होगी तो अगली बात समझ आएगी, ये पढ़ के जरा समझाएं मेरे एग्जांपल, स्पीड अप हो जाए, बस 2 मिनट से ज्यादा और नहीं देने से। जी सर बड़ी सर सॉरी, क्या बनाना है, दी किस पे बनाना है, प्रॉब्लम क्या है, फुल कैपेसिटी पे काम हो रहा है, अगर जी बनाने की कोशिश करेंगे 2 लाख की कंट्रीब्यूशन का लॉस हो जाएगा, कहां से, उस काम से लॉस हो जाएगा जो काम अदरवाइज हो रहा है, उसको छोड़ के अगर जी बनाना शुरू कर देंगे तो 2 लाख फिर जहन में रखना जरूरी है जो हम कमा सकते थे और नहीं कमा सकते। आई होप कि क्लियर हो गया। संघ पे आ जाए, संघ की एक डेफिनेशन ऊपर भी आई है, जरा पढ़ के देखें, मेरे ख्याल ये जरा ज्यादा अच्छी है, संघ कॉस्ट हिस्टोरिकल पास्ट कॉस्ट दैट अ कंपनी हैज ऑलरेडी इनकर्ड, दीज कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज रिकवर्ड इन एनी केस एंड इग्नोर्ड वाइल डिसीजन मेकिंग, पढ़ दोनों लीजिएगा, मेरे ख्याल ये जरा ज्यादा आसान भी है और सफिशियंटली कवर्ड भी है। पहला हिस्सा क्या है जी, सन कॉस्ट इज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऑलरेडी इंकर हो गई है, चेंज नहीं हो सकती किसी भी केस में, देयरफॉर रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। एक एग्जांपल मेरे साथ देखें, कंपनी मिस्टेकनली परचेज्ड अ मशीन दैट डजंट कंप्लीटली सूट इट्स रिक्वायरमेंट्स, एक मशीन खरीद ली है लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है, द प्राइस ऑफ द मशीन ऑलरेडी पेड इज अ sunk cost and will not be considered while deciding whether to sell the machine or use it. बहुत ध्यान से मेरी example सुननी आपने। देखिए फर्ज करें एक मशीन आपने
मिलियन रुपीस की ली है, लेकिन ये मशीन लेने के बाद फिर वो हुआ जो इसने एग्जांपल में लिखा है। क्या हुआ? मशीन परचेज हो गई गलती से, और पता क्या चला खरीदने के बाद कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। अब मशीन आ चुकी है, बताएं इसका या क्या कर सकते हैं, या क्या, या यूज कर लें या सेल कर लें, बताएं यूज कर सकते हैं? क्यों? रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, तो यूज करने का तो कोई फायदा नहीं, जीरो। दूसरा क्या सोचा जा सकता है? सेल कर लें। लेट्स अज्यूम आपने ये अब यूज तो समझ आ गया, जीरो, वाई वाई, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही नहीं है, गलती से आ गई है। लेट्स अज्यूम आपने जब कोई बायर ढूंढने की कोशिश की तो आपको कोई बायर मेरे जैसा मिला, मैंने कहा कि मैं इसे 50 रुपए का खरीदता हूं, आपको यकीनन बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि आपने देखा 50 मिलियन, और आपने मेरी जब बात सुनी तो यकीन आपको गुस्सा आया, आपने वो सब कुछ किया जो आपके बस में था और मुझे इग्नोर किया, और वो भी किया, वो भी किया, और वो भी किया, लेकिन फिर आपने पूरा माशरा ढूंढा, माशरे में बायर ढूंढे, कोई भी नहीं माना। क्या आपको मेरी याद आएगी? अगर अभी भी आपको मेरी याद ना आई तो आपका पूरा 50 मिलियन जाया होना। क्या मेरी याद आने से 50,000 नहीं 50 रुपए का लॉस कम हो जाएगा? आप एक और एंगल से गौर से बोर्ड में देखें, एक और जीरो खत्म हो गया, अभी भी याद आना चाहिए। अच्छा ना बेचें आप, क्या होगा? अगर आप अपनी परचेज कॉस्ट को देखते रहेंगे तो ये भी 5 रुपए भी गए, उसको अब देखने की कोई सेंस नहीं है। वो कब सोचना चाहिए था? लेने से पहले। जब भी कोई चीज लेनी है पहले डिसाइड करें जरूरत है या नहीं। अगर आपने खरीद ली, अब या क्या कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, तो वो भूलें आप, और अब ये देखें यूज का फायदा क्या है, सेल का फायदा क्या। मैंने जरा जानबूझकर एक एक्सट्रीम एग्जांपल इसलिए बनाई है कि हमें ये ले लेना चाहिए, ये हायर ऑफ ले लेना चाहिए। किस किस को देख के फैसला करना चाहिए? इसमें से हायर देखना चाहिए। अब वो जो हो गया वो तो होना। अगर आप नहीं बेचेंगे बताएं कितने का नुकसान है? 50 मिलियन, और अगर बेच देंगे तो नेट लॉस 5 रुपीज कम हो जाएगा। अल्लाह ना करे ये हालात हो। पता क्या चला? परचेज कॉस्ट तभी तक रेलिवेंट है जब तक आपने कोई चीज ना खरीदी हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया मोबाइल आया, आपके जेब में पैसे हैं, आप खरीदने से पहले ये सोच सकते हैं मैं लूं या ना लूं। लेने से पैसा खर्च हो जाएगा, नहीं लेने से पैसा बच भी जाएगा। दोस्तों का तो ये रेलिवेंट है, 50,000 का मोबाइल है, लेकिन अगर ले लिया और बाद में पता चला इसकी जरूरत तो कोई नहीं थी, तो वो खत्म होगी बहस। अब आपको मैक्सिमम क्या डिसीजन लेना है, मैं इसे रखूं या इसे बेचूं? अब रखने का फायदा और बेचने का फायदा बस आपस में कंपेयर हो सकता है। नन सर, क्या परचेज प्राइस रेलिवेंट होती है? होती है कब तक? खरीदने से पहले, और खरीदने के बाद वो संक हो जाती है, वो डूब गई है। अब आपको डिसीजन किस बेस पे लेना है, या यूज कर लें या सेल कर लें। अब जरा एग्जांपल वाले पूरी पढ़ना जी, ठीक है, मतलब कोई और ऑप्शन अगर है कि लीज पे जा सकती है, बेस्ट हाईएस्ट ढूंढ लें, लेकिन किसको जेन से निकाल के, वरना अगर उसे जेन में रखेंगे तो आपका दिल नहीं मानना और रोते रहेंगे, लेकिन उन आंसुओं में चंद आंसुओं के कतरों का शायद कमी आ सकती है अगर 500 रुपए ले लें, लेकिन अगर ये भी नहीं लेंगे तो उससे क्या होगा? तो वो जो होना था हो गया है। लेट स्टार्ट अ न्यू लाइफ बाय कंसिडरिंग क्या इस्तेमाल करें, क्या यूज करें। तो चीजें खरीदने से पहले सोचना चाहिए कि क्या वो रेलिवेंट हैं या नहीं है, वरना लेने के बाद अगर एहसास हो कि यार इसकी तो जरूरत ही कोई नहीं थी, फिर आपकी चॉइस जो रह जाएगी वो किस किस में रह जाएगी, यूज कर लें
या सेल करने हैं, और उसमें से आप किस पे जाएंगे जो हायर ऑफ होगा? क्या जीरो और फाइव में से हायर ऑफ? फाइव ही है, तो फाइव देख के डिसीजन लें और उसका फाइव के साथ इतने सारे जीरो ना देखें, इस फाइव को उसके बराबर ही समझें। क्या ये फाइव अच्छा है? अच्छा है यार, थोड़ा सा लॉस तो कम कर रहा है। पढ़े पढ़े एग्जाम्पल पढ़े, मेरी बातें पता नहीं कोई समझ भी आती है कि नहीं। भाई नंबर बता दें, ये भी ना बात। जी आई कैप की रजिस्ट्रेशन कब अवॉइडेबल खर्चा जी? जल्दी अरे बस, आई कैप की रजिस्ट्रेशन कब तक अवॉइडेबल खर्चा? जब तक नहीं करवाएंगे, जब तक नहीं करवाएंगे, और अगर करवा ली है तो वो हो गई है। अब आगे सोचें, अगला सोचें कि मैं कितने आई कैप की फीसें बचा सकता हूँ, कितनी फीसें कॉलेजों की बचा सकता हूँ, वो सोचें डिसीजन लेने से पहले। डिसीजन लेते हुए कि मैं सीए कंटिन्यू करूँ या खुदा ना खास्ता ना करूँ, अगर आप इस नतीजे पे पहुँच गए, इस खर्चे को आप जाने दें जो कॉलेजेस ने ले लिए हैं, जो पेपरों की फीस दे दी जा चुकी है, जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, बिस्मिल्लाह पढ़ें और ये सोचें कि अगर मैंने सीए कंटिन्यू रखा तो मेरा और कितना खर्चा एक्सपेक्टेड है, और अगर सीए छोड़ के मैं उधर चला गया तो उधर से इंशाल्लाह मुझे क्या क्या मिलेगा। अगर तो ये कोई डिसीजन हो सकता तो कर लें, वरना जो पास्ट हो चुका है उसको ही जहन पे सवार करें ताकि अगली मेहनत के लिए तैयार हो जाए। ठीक है सर, पढ़ने एग्जांपल, तो मेरी बात में कन्फ्यूजन रह गई। बात समझ आ गई प्लीज? नेक्स्ट आ जाए सर, एक आखिरी डेफिनेशन, रेलिवेंट कॉस्ट की भी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रेडिक्टेड फ्यूचर कॉस्ट अंडरलाइन दैट वुड बी डिफरेंट, दैट वुड डिफर डिपेंडिंग अपॉन अल्टरनेट कॉस्ट ऑफ एक्शन। वही चीजें शायद रिपीट हो रही है। असल में मेन टर्म है रेलिवेंट, जरा फर्स्ट पेज पे जाए जो 88 पे, बताएं इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेलिवेंट है, डिफरेंशियल कॉस्ट रेलिवेंट है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट है। असल में रेलिवेंट कॉस्ट एक मेन टर्म है, उसके नीचे फिर उसकी एग्जांपल्स हैं जिनमें कुछ रेलिवेंट कॉस्ट हैं और कुछ इररेलिवेंट कॉस्ट। एक एग्जांपल पढ़ें जिसकी, रॉ मटेरियल के एंगल से मेरे ख्याल ये बात हुई भी है। लाख रुपए का मटेरियल खरीदा था, एक कस्टमर कितने का खरीदने पर राजी है? आपने खरीदना बेचना है, आपने खरीदना बेचना है, मटेरियल का कुछ और नहीं हो सकता है, लेकिन बेचने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ना है? 30,000। इन दिस केस द एडिशनल कन्वर्जन कॉस्ट इज 30,000, वेयर एज द रॉ मटेरियल कॉस्ट इज, क्या आपको ये 60,000 रुपये जो उसने ऑफर कराई है, इस 60,000 के साथ 30,000 देखना चाहिए, ये 60,000 के साथ 1,00,000 देखना चाहिए? ये वही बात है शायद जो थोड़ी देर पहले हो रही थी, या चलें इस तरह करें, बताएं भेज दें, कितने का बिक रहा है? 60 का बिक रहा है, लेकिन 60 का भी कब बिकेगा? 30,000 का खर्चा करके बिकेगा, नेट कितना बचता है? लेकिन खरीदा तो 1,00,000 का था, वो इरेलीवेंट हो गया, संक कॉस्ट है, तो क्या बेच दें? अगर और कोई उसके अल्टरनेट यूज नहीं है तो इसको बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है, बेच के कितना बचाया जा सकता है तो बचा लें यार, बाद में पता नहीं ये भी आता या नहीं आता। देख लें, देख लें तसली से देखें, बेचने पे, बेचने के लिए जो एक्स्ट्रा 30 खर्चा करना पड़ेगा वो तो कंसिडर करें आप, लेकिन जो खर्चा हो चुका है उसको कंसिडर करने की कोई सेंस नहीं है डिसीजन लेते हुए। ठीक है सर, तो यार जान दे यार, 60,000 कौन सी कॉस्ट होगी भाईजान, ये कोई कॉस्ट नहीं है, ये सेल प्राइस है। पेज नंबर 93 पे है जान मोहम्मद साहब, जाने दे गुस्सा, 60,000 कौन सी कॉस्ट है जनाब, कस्टमर ने खरीदना है यार, हाँ 30,000 का खर्चा करके खरीदना है, ना करें यार इस तरह, तो कंसंट्रेशन तो रखें यार।
एक मिनट, पेज नंबर 93 पे आएगा जो रिमेनिंग टाइम है, थोड़ी सी देर डिस्कशन पे दे दें, बाकी फिर इंशाल्लाह कल इसे मैक्सिमम पॉइंट पॉइंट अप करते हैं। कंपनी वी के नाम से एक एग्जांपल है, पेज नंबर 93 पे आप है। एक सेकंड के लिए पेज जहां छोड़ के जरा पेज नंबर 56 से वापस आए, जरा पेज नंबर 56 पे जाए। हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो कुछ प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजंस किए थे, सही किए थे यार, देख के बताएं, रिवाइज करके बताएं, प्रोडक्ट कब तक बनाते रहते हैं? जब तक कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तब तक प्रोडक्ट बनाते रहना चाहिए। अगर कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो जाए तो देन फिर कंट्रीब्यूशन नेगेटिव के बाद प्रोडक्ट को अबेंडन कर देना ही मुनासिब। ये जेन में रखे थे वापिस आ। कंपनी वी मेक्स फोर प्रोडक्ट्स पी क्यू आर एस। द बजट फॉर नेक्स्ट ईयर इज एज फॉलोज। पी क्यू आर एस, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, टोटल 800, 1500, 1100, 1200 क्या है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। उसके साथ प्रेजेंटेशन थोड़ी सी जरा डिफरेंट रखी हुई है। सेल लिखने के बाद कंट्रीब्यूशन निकाल दी उसने, क्या सबकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है? लेकिन इससे पहले कि हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें, एक नई चीज आ रही है, कंट्रीब्यूशन के बाद लिखा हुआ है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट एंड ए शेयर ऑफ जनरल फिक्स कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और शेयर ऑफ फिक्स कॉस्ट, जनरल फिक्स कॉस्ट का थोड़ा सा मीनिंग फाइनल कर लेना। फिक्स कॉस्ट भी असल में दो तरह की होती है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एंड जनरल। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल से मुराद ऐसी फिक्स कॉस्ट जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और जनरल फिक्स कॉस्ट का मतलब है जो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट है। मसलन आप अपनी फैक्ट्री समझे, फैक्ट्री का रेंट है जनरल फिक्स कॉस्ट इसलिए है क्योंकि आप फैक्ट्री के अंदर कोई एक प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, उससे रेंट ने बदलना नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल किसी डिपार्टमेंट के अपने परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, तो क्या अगर वो डिपार्टमेंट अब बंद करेंगे तो उस डिपार्टमेंट के परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी खत्म हो जाएगी? यस सर। तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है। प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट वाइज अगर कोई फिक्स कॉस्ट है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, और बिजनेस एज अ होल की अगर कोई फिक्स कॉस्ट है वो फिर जनरल फिक्स कॉस्ट है। जनरल फिक्स कॉस्ट कब सेव होगी? जब पूरा बिजनेस बंद होगा, पूरी फैक्ट्री बंद होगी। लेकिन अगर एक डिपार्टमेंट आप बंद करें तो जनरल फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहेगा, लेकिन किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है, क्या वो सेव हो जाएगी उस डिपार्टमेंट को बंद करने से? तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मीनिंग है फिक्स कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। और जनरल फिक्स कॉस्ट क्या है? ओवरऑल फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट, ओवरऑल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ओवरऑल है, जनरल है, ये कब सेव होगी? पूरा बिजनेस स्टॉप करेंगे आप, लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंट बंद आप कर रहे हैं तो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, लेकिन डिपार्टमेंट स्पेसिफिक अगर कोई फिक्स कॉस्ट है जिसे यहाँ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कहा गया, वो फिर सेव हो सकती है। तो इस तरह करें, इसी पेज के नीचे ही ऊपर जगह बना लें, ये थोड़ा सा वर्ड्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना। पेज नंबर 93 के स्टार्ट में
सर खैरियत है सर। अभी बेटा 15 मिनट टाइम है कल क्लास में, क्या ये भी हो सकता है काशिफ कि क्लास के 15 मिनट पहले, क्या ये पढ़ाई के जज्बात हो सकते हैं? बच्चों को नजर ना लगा दीजिएगा काइंडली। वो ये देख जी नहीं जी नहीं, वो नहीं देख रहे, वो नहीं देख रहे, ये आपका उन पे इल्जाम है। वो यही देख रहे हैं कि हमें हमारा पढ़ाई का टाइम क्यों नहीं हो रहा, हमारा पढ़ाई के टाइम को कौन यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें क्या पता कि यहाँ जो हजरात बैठे हैं ये किस तरह एक एक मिनट गुजार रहे हैं। एग्जाम्पल वापस आ जाए, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के बाद क्या वर्ड सीखे हुए सर? फिर क्या लिखा हुआ सर? फिर क्या लिखा हुआ सर? प्रॉफिट जरा फिगर देखें, किस किस के एंगल से लॉस आ गया है? क्या क्यू और एस को बनाना छोड़ दें और लॉस है? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि यहां तक कभी हमने यही पढ़ा हुआ है कि अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट को बनाते रहें। लेकिन ये हमने जिस जमाने में पढ़ा था, पेज नंबर 56 पे जाए, उस जमाने में हमें फिक्स कॉस्ट में दो चीजें होती हैं ये नहीं पता था। और अगर आइंदा भी कभी ना पता हो तो हम हमेशा ज्यूम करेंगे फिक्स कॉस्ट जनरल ही है। लेकिन अगर पता चल जाए कि फिक्स कॉस्ट में क्या और क्या है तो देन पे डिसीजन लेने से पहले आपने छोटा सा काम करना है, अपने जरा वापिस आ जाए पेज नंबर 93 पे, आपने जरा एक दरमियान में एक वर्किंग करनी है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट जहां लिखा हुआ है उसके नीचे जरा कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट की एक वर्किंग करते मैं आ रहा हूं। किस जगह कह रहा हूं? 1000 में से 400 माइनस करके नीचे एक जरा कंट्रीब्यूशन, बल्कि हेडिंग भी लिखे जरा साथ, कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट जरा कैलकुलेट करें, कोशिश करें थोड़ी जगह बन जाए। किसेगा किस जगह, किन दो हेडिंग्स के दरमियान में? हाँ जी, जर्नल और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल के दरमियान में कितनी है जी कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट? 600 पॉजिटिव है, नेगेटिव 150 है, नेगेटिव 100 है सॉरी, देन उसके बाद पॉजिटिव 800 है और 50 पॉजिटिव है एस की। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, यकीन है। इससे पहले डिसीजंस कहते कैसे होते हैं? कंट्रीब्यूशन के बेस पे। लेकिन क्या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट सेव हो जाएगी अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट बने बंद हो जाए? यहां तक वर्किंग जरा मेरे से मैच कर लीजिएगा। 600 पॉजिटिव है, 100 नेगेटिव है, 800 भी पॉजिटिव है और 50 पॉजिटिव है। स्टोरी का क्रक्स बेटा ये है कि अगर हमें ब्रेकअप नहीं पता तो फिर वो जनरल फिक्स कॉस्ट है और डिसीजन आप लेंगे कंट्रीब्यूशन की बेस पे। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर आप प्रोडक्ट बनाते रहेंगे अनलेस कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो जाए। लेकिन अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है तो देन आप डिसीजन कंट्रीब्यूशन की बजाय नेट प्रॉफिट से फिर भी नहीं करेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन भी कौन सी लेंगे? आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। उसकी वजह क्या है जरा, जरा फिगर्स पे गौर करते हैं जरा। प्रोडक्ट पी देखें जरा, क्या प्रोडक्ट पी अपने सारे खर्चे कवर करने के बाद 600 कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही है टुवर्ड्स जनरल फिक्स कॉस्ट? 600 किसके लिए कवर कर रही है? जनरल फिक्स कॉस्ट भी कवर हो सकती है। 100 नेगेटिव पे आ रहा, क्या क्यू से अपने ही सारे खर्चे कवर नहीं हो रहे? तो क्या इसको बनाते रहे? इसको बनाने का नुकसान क्या है? इससे अपना ही नुकसान, अपने खर्चा अगर बियर नहीं हो रहा तो इसने जनरल फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं करनी। थर्ड देखें, क्या 800 कवर हो रहा? क्या 800 की कंट्रीब्यूशन इज अवेलेबल टू कवर द जनरल फिक्स कॉस्ट? और आखिरी जो अब एस है वो गजरा और ध्यान से देखें, 50 पॉजिटिव है, यकीनन नेट लॉस तो है, लेकिन क्या 50 कम से कम अवेलेबल है टू कवर द जनरल फिक्स कॉस्ट? अगर हमने एस बनाना छोड़ा
मिनट कैलकुलेटर पकड़ा दो, नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 600 लिखे और 800 सिर्फ लिखे था, एक मिनट जैसा मिनट, 600 प्लस 800 क्या है ये, क्या है किस किस को छोड़ा मैंने, क्यू को भी छोड़ा है और एस को भी छोड़ा, ये आपके पास वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी जो क्यू और एस को छोड़ के आएगी, कितनी आ रही है 1400, ऐसे ही है, ऐसे ही सर, इसमें से माइनस क्या होना है, क्या फिक्स कॉस्ट भी बस प्रोडक्ट्स की रह जाएगी या वो सेम ही रहेगी, 1100 एज इट इज रहेगा, माइनस करें 1100, 300 क्या आ रहा है, प्रॉफिट 250 से 300 हो गया है, बड़ा तो है लेकिन अब तीन वर्किंग्स करनी है, एक वर्किंग मैंने कैसे करवाई है, किस किस को इग्नोर किए, क्यू और एस दोनों को इग्नोर किए, अब जरा कंडीशन ऑफ क्यू इग्नोर करें, 600 लिखें, 800 लिखें और 50 लिखें, टोटल कितना हो गया 1450, में से अगर 1100 माइनस हो तो 350, क्या ज्यादा है कम है, ज्यादा है, ज़हन में रखिएगा फिगर्स, 250 से 300 हुआ था, 300 से 350 हो गया है, तो क्या दोनों को बनाना छोड़ें या सिर्फ क्यू को बनाना छोड़ें, क्यू को बनाना छोड़ा है तो 100 गायब होने से आपका प्रॉफिट 100 से बढ़ गया है, और अगर एस को बनाना छोड़ेंगे तो उसकी 50 पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट कम होने से ओवरऑल प्रॉफिट में 50 क्यों कम हो जाएगा, समझ आ रही मेरी बात क्या करी जा रहा हूं, अगर ये ब्रेकअप ना होता, कौन सा ब्रेकअप, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और जर्नल का, तो आपका डिसीजन किसकी बेस पे होना है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन, लेकिन अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है तो देन आपने ये देखना है कि अपना सारा खर्चा कंपेयर, अपना सारा खर्चा कवर कर लेने के बाद क्या जर्नल फिक्स कॉस्ट के लिए कोई शेयर अवेलेबल है या नहीं है, अगर कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, तो फिर आपका डिसीजन ये होगा कि इस प्रोडक्ट को बनाते रहें, और अगर कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट नेगेटिव हो गई है तो फिर ऑब्वियस इसको बनाना छोड़ देना चाहिए, एक सेंटेंस बस लिख लें यहाँ, बाकी सब कुछ सेम है, फिर इंशाल्लाह जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज की एप्लीकेशन आएगी, कंक्लूजन ये हमारी, इफ देयर इज अ, नहीं इफ देयर इज अ ब्रेकअप ऑफ, पहले ये भी लिखा ना, अगर तो ब्रेकअप नहीं है तो पेज नंबर 56 की तरह होगा, इफ देयर इज अ ब्रेकअप ऑफ, ब्रेकअप ऑफ फिक्स कॉस्ट इनटू, फिक्स कॉस्ट इनटू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, इनटू डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एंड जनरल फिक्स कॉस्ट, then product abandoning decision should be on the basis of, then product abandoning decision should be on the basis of yes sir, on the basis of contribution after directly contribution after directly attributable fixed cost, done है sir, बाकी definitely ये मैंने अभी छोटा सा एक scenario आपको करवाया, इसमें काफी बड़े बड़े question involve हो जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे concept होंगे तभी question होता है, घर के लिए आज क्या है सर, दूसरा सवाल बिल्कुल ठीक है, डिजिटल पे कोशिश करें लेकिन एक प्रायोरिटी पे रखिएगा, ये जो पेज नंबर 95 पर था पहले वो कर लीजिएगा, डिजिटल अगर एक दो दिन आगे भी चला जाए लेकिन शुरू कर लीजिएगा, वरना डेफिनेटली अगर आगे चला गया तो सारा ही ना चला जाए, शुरू कर लीजिएगा, लेंथी है लेकिन करने से पहले जब भी मैं कोई क्वेश्चन बताऊं तो वो जरूरी है, टॉय कहा था मैंने और सॉल्ट लेदर दोबारा मैंने कहा, उसको बेस बना के फिर उस तरफ जाइए,
ऐसे ही है, प्रेजेंट करने का फायदा नहीं होता। अल्लाह हाफिज़। Thank you.